पहले एक दुष्ट ने सचखंड श्री दरबार साहब अंदर आके बेअदबी करने की कोशिश की थी। एक ऐसा हादसा होया जो सिख पंथ जी का बहुत ज़्यादा दुख है। मैनू लगता नहीं किसी जिंदगी विच कि दरबार साहब के अंदर ऐसा किसी की हिम्मत हुई ऐसा दुष्ट काम करने की। कल्ली इंदिरा गांधी के हुक्म से उदों टैंकां तोपां नाल दरबार साहब पर हमला होया, पर बड़ा अफसोस मैनू एक गल का लगता है कि इस हादसे तो चार दिन पहले दरबार साहब के पवित्र सरोवर विच गुड़का साहब नूं फड़ के उत्ते सिट्टे गए सी। ते एस जी पी सी दे मैनेजमेंट ने पंजाब पुलिस नूं ओ बंदा फड़ा दिता सी। पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं कीता ते चार दिन बाद आ हादसा हो गया। इहदा वड्डा कारण मैं कह सकदा कि जिहड़ी सरकारां ने या पार्टियां ने खास करके सियासत करन दी कोशिश कीती है, दोषियां नूं फड़न दे बजाए सियासत कीती है। असीं वी अज कह सकदे सी जिवें कांग्रेस पार्टी ने सियासत कीती, असीं वी कह सकदे सी कि डिप्टी सीएम या सीएम या इहनूं अंदर किया जाए या कुछ किया, पर असी गुरु साहबान के मसले गुरु घर के मसले कित सियासत ना करनी या ना करनी चाहिए है। मैनू बड़ा दुख है, असी सारी श्रोमणी अकाली दल ने जो अपनी सरकार के दौरान बेअदबी हुई असी सारी सिख संगत तो परमात्मा तो माफ़ी भी मंगी। साड़ी उदो कोशिश सी कि दोषियों नूं फड़न दी, पर उदो ही कांग्रेस पार्टी ने ते कई जथेबंदियां ने उदो पूरा प्रचार किया, सड़कां रोकिया ते दबाव पाया कि असी पंजाब सरकार तो नहीं इंक्वायरी करवानी इन्वेस्टिगेशन करवानी। असी उदो सिख संगत दे जथेबंदियां दे सारी लीडरशिप दे भावना नूं समझते हुए सी बी आई नूं असी इन्वेस्टिगेशन दे दित्ती। नहीं साडा मन सी उदों असी सारी पुलिस फोर्स नूं उदों हिदायत करती सी, मैं आप मॉनिटर कर रहा सी कि जल्दी तो जल्दी दोषी फड़े गए, पर उदों साडी सरकार क्योंकि सी बी आई कोल चली गई। पंजाब सरकार देश दा कानून है कि एक केस दे विच दो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो उदों पंजाब सरकार दे हाथ बंधे गए ते सानूं इन्वेस्टिगेशन रोकनी पई। पर जदों दी सरकार कांग्रेस दी आई है इस सरकार ने इन दोषियों नूं फड़न दे बजाय इन्हां ने सियासत कीती, लगातार सियासत चलदी रही पंज साल। कंवर विजय प्रताप वर्गे जिहड़े इन्हां दे आई जी सी उन्होंने दोषियां मगर तक गए ही नहीं, इक्को ही काम श्रोमणी अकाली दल खालसा पंथ की जथेबंदी नूं बदनाम करन दी साजिश राही सारा ही चार साल साढ़े चार साल उस काम ते ला दिते। तो इस करके मैं सारयां नूं बेनती करदा, असीं परमात्मा दे चरणां च अरदास भी कीती सी कि जिहड़ा इस इन्हां बेअदबी दे मामले च गुरु साहबान दे मामले च कोई सियासत करूगा उहदा कख नहीं रहना चाहीदा, ते परमात्मा मेहर करूगा जिन्हां ने कीती सियासत उहनां दा कख ना रहे। मैं सारी संगत नूं सारी लीडरशिप सारी पार्टियां नूं आई बेनती करना चाहुंदा कि इस इशू ते किसे नूं सियासत नहीं करनी चाहीदी, आपां सारे इकट्ठे हो के इह दोषियां नूं फड़ीए, क्योंकि आह इक पैटर्न बन गया। पिछली वार भी इलैक्शन दे दौरान आह सारियां चीज़ां शुरू होईआं, हुण फिर तो शुरू होई। इत्थे पंजाब दी अमन शांति भाईचारक सांझ नूं सट लाउण वास्ते आह साजिशां शुरू फिर तो हो गईआं। मैं पंजाब पुलिस नूं बेनती करदा
खास करके पंजाब की सरकार नू ते दिल्ली की सरकार नू, थोड़े कोले हर किस्म की एजेंसी है, थोड़े कोले ताकत है, थोड़े कोले सिस्टम्स हैगे पता कराने वास्ते। तो मैं बेनती करना चाहना है कि जल्दी तो जल्दी दोषियों का पता लगे किने कराई है, कौन पिछे है, कित्थे आ साजिशां होई हैं, क्योंकि अगर दोषी ना फड़े गए तो अब बेअदबी होर हो गई, तो देश का अमन शांति ते पंजाब दी अमन शांति ते खालसा पंथ किते बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने गुरु ते हमला। खालसा हर सिख अपनी गुरु की रक्षा वास्ते अपनी जान अपने परिवार की जान वार सकता है ते वारेगा जे किते कोई दुष्ट अपने गुरु साढ़े गुरु ते हमला करे। इस करके क्योंकि पंजाब एक अमन शांति अमन प्रस सूबा है, तो मैं सारे खास करके हुण मैं सरकारां नूं कहना चाहुंदा है हुण जिम्मेवारी थोड़ी है, आ कॉन्सपरेसी जिहड़ी हैगी इहदे मगर कॉन्सपरेसी जल्दी तो जल्दी इहदा हल किया जाए। तो मैनूं बड़ा दुख है कि जिहड़ी कमेटी बनाई है आ जिहड़ी दरबार पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री ने एक डिप्टी कमिश्नर दे थल्ले कमेटी बनाती, इहदा लैवल इन्ना छोटा है कि इहदे नाल जांच कित्थे होगी। इहदा मतलब इक्को ही है कि जिवें खाना पूर्ति करनी होए घर तो घट एक रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की थल्ले मोनिटर्ड एक स्पैशल टास्क फोर्स क्रिएट की जाए जिदे नाल पूरे सूबे नूं विश्वास होए कि इहदे ते सियासत नहीं होगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी। हुण जिहड़ा डिप्टी कमिश्नर दे थल्ले बनाई गई है वह तो सीधा ही होम मिनिस्टर दे चीफ मिनिस्टर दे थल्ले रोज़ काम करते हैं। तुसीं देखिया कि इन्हां दा इक्को एक सोच रही है कांग्रेस पार्टी की हर इशू ते सियासत करनी, आ समा सियासत करन दा नहीं। इस करके मैं पंजाब की सरकार नूं चेतावनी देना कि सिख पंथ किते बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जे तुसीं सियासत कीती ते दोषी ना फड़े गए। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਐਤੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਫੋਰ 2014 ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਵਰਡ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਆਫਟਰ 2014 ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਡ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਕੇਮ, ਹੀ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ
सिख भावना ते खेडे ते जनता दी भावना ते खेडी। उन्होंने हर मुद्दे ते सियासत कीती, बेअदबी ते मुद्दे ते सियासत कीती, 5 साल कोई दोषी नहीं फड़े, ड्रग्स दे मामले ते भी सियासत कीती। हुण उन्होंने पता है कि पंजाब दी कचहरी जाना पैना है, पंजाब दी जनता ने सवाल पुछने हैं। हुण जिवें तुसी सारे ने देखिया कि कुंवर विजय प्रताप की SIT बनाई तो हाई कोर्ट ने की किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि 5 साल इस सरकार ने बर्बाद किए, पोलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिक्स करके इन्होंने 5 साल किए, तो एक भी दोषी तरफ नहीं गए। उवें ही ड्रग्स के मामले च भी पिछले 5 साल एक भी दोषी ना फड़े गया, ना ड्रग्स घटे सगों ड्रग्स वधे। हुण ओह जाण के पिछले महीने दे लगे है, हर अफसर नूं बणाउंदे है, 3 DGP बदलते है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे 4 डायरेक्टर बदल दिते है, हर नूं बुलाउंदे है कि तुसीं परचा दिओ, तुसीं परचा दिओ, तुसीं अंदर करो। 2 SSPs ने लिख के दे दिता कि तुसीं झूठा परचा करवाउणा चाहुंदे आ, जे ADGP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिख के दे दिता कि आ झूठे केस है, इन्वेस्टिगेशन इहदी नहीं हो सकती क्योंकि आ सारा कुछ ही इन्वेस्टिगेटेड है, दोषी जिहड़े कीते सी जिस केस च इन्हां नूं लिंक कीता जा रहा है, उत्थे तां कोर्ट ने सज़ा भी दे दी, लोग सज़ा भी भुगत रहे हैं। तो मैं उही कहना चाहुंदा कि हुण उन्हां दी पैनिक रिएक्शन है, जदों किसे ने नहीं मन्ना, कोई जिले का SSP नहीं मन्निया, कोई पुलिस अफसर नहीं बनिया, फिर एक थाना DGP दे थल्ले एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक थाना जिथे अज तक नहीं वरत्या गया, ओदी आ दूजी FIR DGP चट्टोपाध्याय ने, क्योंकि DGP चट्टोपाध्याय वह इंसान है जिन्हों पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वरत्या सी बादल परिवार के खिलाफ, उदों भी इन्हें बादल परिवार के खिलाफ झूठा परचा दिता, इन्वेस्टिगेशन की, जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन हाई कोर्ट ने ते लोअर कोर्ट ने रद्द करके सानू क्विट किया। सो आज जिहड़ी साजिश है हुण भी सारी पुलिस एक पासे है, कल्ला DGP चट्टोपाध्याय एक पासे है जिहड़ा झूठा केस किया है। श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पार्टी का चैलेंज कबूल दी है, असी लीगल बैटल भी लड़ांगे ते पंजाब दी जनता जाके पंजाब दी जनता दे सामने रखांगे कि किवें आ जिहड़ी पार्टी ने, मैं उही गल थोड़े ते आ रहा हां, पिछले महीने हर रोज़ 7-7 घंटे 8-8 घंटे होम मिनिस्टर DGP चीफ मिनिस्टर इको एक प्लानिंग ते लगे रहे हैं। आ जिहड़ा बेअदबी दे ते होया है, एक मिनट नहीं चीफ मिनिस्टर ने लाया कि दोषियों नूं फड़न वास्ते DGP नूं, उन्होंने पिछले हफ्ता भी 10 दिन कल्ला मजीठिया नूं अंदर करना, इन्हां अंदर करना। इस करके ना असी डरीए, ना असी परवाह करिए, असी थोड़ा चैलेंज एक्सैप्ट कर लिया, हुण आओ मैदान जंग च, देखांगे थोनू पंजाब दी कचहरी विच जय जी करतूतां इन्हां दीआं, जमानतां जब्त होणगीआं। ते मैं एक होर भी कहना चाहुंदा, झूठे केस बनाउणे गुनाह है, साडी इन्हां दी सरकार दे दौरान बहुत साडे वर्करां ते झूठे केस बनाए गए है, बजुर्ग माइयां ते बजुर्गां दे बच्चियां दे केस झूठे कराए गए है। तो मैं अज चैलेंज एक्सैप्ट करदा, तो मैं कहना चाहुंदा साडी सरकार आउण ते सारे जिन्हें झूठे केस असी इन्वेस्टिगेशन करावांगे, ते जेड़े पुलिस अफसर ने ते जेड़े सियासी लीडर ने जिंदगियां बर्बाद कीतियां गरीब बंदियां दीआं पॉलिटिक्स करके सियासत करके, उन्हां नूं नौकरियां भी कढ़िया जाऊगा, उन्हां दे खिलाफ एक्शन भी लिता जाऊगा, क्योंकि झूठे केस बनाउणे गुनाह। ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर ते DGP चट्टोपाध्याय विक्रम मजीठिया दे केस भी उन्होंने झूठा केस बनाया, उन्होंने कानून तोड़े, तैयार रहन, उन्होंने भी अपनी समा आ गया भुगतना।